हे hey दोस्तों, तो आपके लिए फिर से एक नया सीरीज लेके आया हूँ। ये अरिहंत प्रकाशन से है। एक तरफ है एनसीईआरटी नोट्स और दूसरे तरफ है मेरे पास एनसीईआरटी एमसीक्यू। दोनों में आपको 6 to 12 ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी देखने को मिल जाएगा और ये सारे सब्जेक्ट वाइज है। जैसे कि ये है भारतीय इतिहास, तो सभी के सीरीज है, सभी का सारे सब्जेक्ट है मेरे पास। और इस बार मजे की बात यह है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो मुझसे शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। तो यहाँ पे अरिहंत का एनसीईआरटी नोट्स हिस्ट्री आपको ओल्ड एंड न्यू देखने को मिल जाएगा, ये नोट्स वाला और ये एमसीक्यू वाला। तो फिलहाल मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपके लिए इंग्लिश वाला लेके आया हूँ। मेरे पास इंग्लिश वाला सारा सेट है मैं बताने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत कोई इंग्लिश मीडियम पढ़ते, तो अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे। आज हम लोग रिव्यू करेंगे और समझेंगे हिंदी वाले एडिशन से। तो एक बार मैं इंग्लिश वाले का भी प्राइस बता देता हूँ, 310 रुपये है एमसीक्यू का और 285 है नोट्स का। और किस तरह से क्या दिया गया है उसको जानने के लिए रिव्यू में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्विस संचय यूट्यूब चैनल, जहाँ बुक्स की रिव्यू सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही हमारी तरफ से आपको 10 से 15 पेज का पीडीएफ भी फ्री में मिल जाता है, ताकि घर बैठे बुक को चेक कर पाओ। तो जरूर से उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब आता है, उस जॉब के लिए कोई बुक आता है जो उस जॉब के लिए होता है, उस वैकेंसी के लिए होता है, तो उस बुक का रिव्यू सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। और साथ ही जो जो न्यू बुक आता है उसका अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। अब लूसेंट 2024 एडिशन आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं लाइव आके आपको दिखाऊंगा, उसका रिव्यू करूंगा। तो उसके लिए जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले देखते हैं, चलिए एनसीईआरटी नोट्स को पहले देखते हैं। एक बार इसे करते हैं हम लोग साइड। ये सबसे पहला, सबसे जरा इम्पोर्टेंट आइटम जो हमारा हिस्ट्री है, ये वो है हिस्ट्री। और ये सारे बुक सेकेंड एडिशन है। ये वाला भी सेकेंड एडिशन था, ये भी सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन दिखाने का रीजन ये है कि सेकेंड एडिशन तभी किसी बुक का आता है जब वो सक्सेस हो जाए। फर्स्ट एडिशन से आपका सक्सेस हो गया, उसके बाद सेकेंड एडिशन आ गया, वो सारे संशोधित करके आते हैं, सब सुधार करके ये सेकेंड एडिशन बनता है जब फर्स्ट एडिशन आपका पास हो जाए, टॉप हो जाए। तो सेकेंड एडिशन ये हिस्ट्री का हमारा। प्राइस हिंदी लैंग्वेज में है 245 रुपये और अरिहंत के बुक्स है तो बिल्कुल से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों दिया गया है, लेखक हमारा यहाँ दिया गया है, अरिहंत प्रकाशन से। बहुत ही अच्छा बुक है। अच्छा, ये बुक किन किन के लिए यूजफुल रहेगा? तो ये स्पेशली तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए है, लेकिन अदर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसपे आपको पूछा जाएगा 6 to 12 का एनसीईआरटी। जैसे कि अभी बिहार शिक्षक था या फिर झारखंड शिक्षक था या कोई भी स्टेट का शिक्षक वाला होता है, तो ये एनसीईआरटी से सारा कुछ लिया गया है, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी का सब कुछ लिया गया। तो एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया चलता है, तो आप किसी भी शिक्षक का भी एग्जाम दे रहे हैं, टीचर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो अंदर से देखते हैं इसका कंटेंट। मैं इसको विस्तार से समझा रहा हूँ और सारा सेम पैटर्न पे रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है प्राचीन इतिहास से, अध्ययन 1 प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर के जितने टॉपिक थे वो सारे हैं। और प्रत्यासिक क्रियाएं, सिंधु घाटी, जो जो इतिहास के अंदर के टॉपिक है वो सारा कुछ दिया गया प्राचीन भारत के अंदर। अभी हमारा प्राचीन भारत चल रहा है, प्राचीन भारत के बाद यहाँ पे हमारा मध्यकालीन है। मध्यकालीन के अंदर अब जितने टॉपिक है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के अंदर के जितने टॉपिक है वो सारे दिए गए हैं। और कुल मिला के यहाँ पे 38 चैप्टर है। 38 चैप्टर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत, एमसीक्यू में ये बुक नहीं है, एमसीक्यू के लिए अदर बुक आया हुआ है, तो ये आप थ्योरी पढ़ के एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं। चित्रों के माध्यम से भी काफी अच्छा समझाया गया है। और अरिहंत का स्टडी मटेरियल है, तो इसपे कोई डाउट नहीं होगा, इनका स्टडी मटेरियल बहुत ही सही रहता है। सिंधु घाटी मैप द्वारा भी ये थोड़ा सा समझाया गया है कलरफुल चार्ट में। बहुत जगह जगह जहां चित्रों का जरूरत था वहां चित्र भी दिया गया है। तो पूरा बुक ये इसी पैटर्न पे है। प्राइस मैंने बताया 245। इसे एक बार साइड करते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं वो दिखा दूं आपको।
भारतीय राज व्यवस्था यानी हमारा पॉलिटी हो गया, ये 6-12 ये भी सारा कुछ सेम है, सेकेंड एडिशन है। प्राइस की बात करें तो 185 रुपये बहुत ही रिजनेबल प्राइस अरिहंत वाले रखते हैं और उस पर डिस्काउंट भी देते हैं। तो अरिहंत बहुत ही लार्ज कंपनी है, लार्ज स्केल में वो बुक्स पब्लिश करते हैं, इसीलिए इतना सस्ता प्राइस पे सब कुछ हो पाता है। तो यहाँ पर भी इतिहास सॉरी राजनीति के जितने टॉपिक थे वो सारा कुछ कवर किया गया है। मैं कोशिश करूंगा आपको कंटेंट वाला पेज पीडीएफ बना के दे दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं, मुझे पीडीएफ बनाना होगा अपना फ़ोन से। तो अगर पॉसिबल हो सभी बुक्स के बनाना तो मैं बना दूंगा, या फिर मैं एक बुक का दे दूंगा, वो सबके लिए आपको पैटर्न सेम होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा राज, भारतीय राज व्यवस्था यानी हमारा पॉलिटी, सारा कुछ समझाया गया है, बोल्ट दे दे के देख सकते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वन लाइनर टाइप से इसे आप ले सकते हैं। थ्योरिकल सारा कुछ समझाया गया है, उसके बाद इसे पढ़ने के बाद आपको मैं एमसीक्यू वाला भी दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा भूगोल, भूगोल का एक ये मोटी बुक है, क्योंकि इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों दिया गया है, यूपीएससी अदर एग्जामिनेशन सेकेंड एडिशन। और प्राइस यहाँ पे 365 रुपये, क्योंकि बुक मोटी है, डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा आपको। तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया विश्व का भूगोल से, विश्व का भूगोल के अंदर के जितने टॉपिक है वो सारे कुछ दिखाए गए हैं, और उसके बाद भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के अंदर के भी सारे टॉपिक दिखाए गए हैं। और यहाँ से पहला चैप्टर भूगोल एक विषय में, तो भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत सारे लोग ऑप्शनल में भूगोल लेते हैं तो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बुक्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अरिहंत का ये बुक्स आप लेके पढ़ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स हिंदी लैंग्वेज में, सभी के इंग्लिश लैंग्वेज मेरे पास अवेलेबल है, आपको इंग्लिश में चाहिए बस मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको इंग्लिश वाले बुक्स के इमेजेस भेज दूंगा, प्राइस बता दूंगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो पतली बुक है, प्राइस मात्र 95 रुपीज, बहुत ही रिजनेबल प्राइस। लास्ट हमारा विज्ञान, विज्ञान एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब विज्ञान है तो बहुत कोई मुझे पूछता है कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, तो इसमें ही इसके अंदर ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए दिखाता हूँ, भौतिक विज्ञान ये हमारा फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के अंदर किस इतने टॉपिक है वो सब है इसमें, सारे हैं। रसायन हमारा केमिस्ट्री हो गया, इसके अंदर है। और यहाँ पे जीव विज्ञान यानी हमारा बायोलॉजी यहाँ तक है, और यहाँ पे दिया गया। तो ये हमारा लास्ट साइंस था, अब मैं एमसीक्यू वाला भी चलिए एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। इतिहास से स्टार्ट करते हैं, भारतीय इतिहास ये एनसीईआरटी एमसीक्यू है, आपने उस बुक से पढ़ लिया ये वाला जो मैंने सीरीज दिखाया, उसके बाद आपको कितने आपने तैयारी सही से किए, क्या याद किए, कैसे है इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इस बुक से करेंगे, या फिर आप अदर बुक से भी पढ़े हैं आपको प्रैक्टिस करना है। 295 रुपये मात्र इसका प्राइस है, जिस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये भी इसी तरह से प्राचीन इतिहास, और उसके अंदर के सारे टॉपिक है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आधुनिक पाल हो गया, यहाँ पे था आधुनिक, और ये सारे कुछ शुरू में जरा सा थोड़ा सा नॉलेज दिया गया, उसके बाद एमसीक्यू में भी सारा कुछ एमसीक्यू में है। चलिए शुरू से मैं समझाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा एक चार्ट दिया था, उसके बाद यहाँ से हमारा क्वेश्चन 1 है। अब क्वेश्चन 1 में देखिए किस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है जो कि चैप्टर 3-11 का ओल्ड एनसीईआरटी का है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसका विकल्प दिया गया है, और उसका आंसर बी है, और यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, इस बी को यहाँ पे व्याख्या करके सॉल्यूशन करके दिया गया है, यानी कि कोई शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया गया है कि डायरेक्ट आंसर की दे दिया और उसमें सारा आंसर है। यहाँ पे सवाल दिया गया है, उस सवाल कहाँ से उठाया गया है वो दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी से ये सवाल पूछा गया था, चार विकल्प है, उसके बाद आंसर सी है, सी को यहाँ पे देखिए अब इतना बड़ा रूप से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे एक्सप्लेन करना है वैसे वैसे हर क्वेश्चन के नीचे ही आंसर और उसका सॉल्यूशन उसका व्याख्या किया गया है,
देखिए अब यहाँ पे एक मैं सडनली दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, इसके चार विकल्प है, आंसर है सी। सी को इतने बड़े रूप से एक्सप्लेन किया गया है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें कितना ज़्यादा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तो था इतिहास के बाद, अदर सब्जेक्ट भी दिखा देता हूँ। ये हो गया भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों है, 235 रुपये का। ये हो गया 80 रुपये का इकोनॉमिक्स, ये हो गया साइंस 185, और ये हो गया भारतीय राज्य व्यवस्था 165। तो एक बार साइंस चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सारा कुछ रहता है। तो ये वाला सीरीज के लिए भी अगर इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा एमसीक्यू वाला सीरीज। आप मुझे एमसीक्यू सीरीज या एनसीईआरटी नोट सीरीज बताइएगा। देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और जीव विज्ञान यानी हमारा बायोलॉजी है। यहाँ पे जरा सा शुरू में एक जनरल सा नॉलेज जो हमेशा हमें याद रखना, एक फॉर्मूला टाइप से दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम वही पैटर्न इस्तेमाल किया गया, क्वेश्चन वन दिया गया है, चार विकल्प दिया गया है, आंसर सी है, सी को एक्सप्लेन किया गया है व्याख्या के साथ। तो ये जो व्याख्या के साथ दिया जाता है, ये बुक्स जो बनाते हैं प्रकाशन वो बहुत ही सही करते हैं, क्योंकि आजकल जो भी स्टूडेंट है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, और जिन जिन बुक्स में सॉल्यूशन नहीं होते स्टूडेंट उन बुक्स को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ अरिहंत प्रकाशन ने भी अपने सारे बुक्स को अपडेट कर दिए हैं, और सारे बुक्स को व्याख्या के साथ सॉल्यूशन के साथ ला रहे हैं। इनमें से कोई भी बुक अगर चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में भी मेरे पास सारा बुक्स अवेलेबल है। एनसीईआरटी एमसीक्यू भी देख लीजिए, नोट्स भी देख लीजिए, दोनों का मैंने हिस्ट्री लिया है, सारा सीरीज आपको मिल जाएगा। और मैंने कुछ पेजेस का पीडीएफ बनाया ताकि आप घर बैठे बुक को चेक कर पाओ, उसके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चल जाइए, वहाँ मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ क्लिक करके बड़े आसानी से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू बुक से अपडेट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।